वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हर रोज़ नई से नई लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हैं, तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ लेकर फिर हाजिर हैं। आप सभी निवेशक साथियों से हमारा अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जो इस वक्त हमारे पास जानकारी है, ये नई दिल्ली 29 नवंबर, एक असाधारण निर्णय प्रतीत होता है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को प्रभावशाली व्यवसायी मुकेश मोदी के नेतृत्व में बहुत करोड़ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ACCSL को पूरे भारत में अपने संचालन को गति देने का आदेश दिया है। 6,474 करोड़ रुपए की विशाल घोटाले में शामिल ACCSL के कथित रूप से अपने 20 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को बहुत से धन की निकासी की, यह देखने के लिए सीरियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO और आयकर विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ अंतर्राज्यीय सोसाइटी के रूप में पंजीकृत ACCSL को बंद करने का निर्देश दिया। सहकारी समिति का प्रभाव कथित तौर पर शीर्ष राजनेताओं के साथ जुड़े मुकेश मोदी और SFIO द्वारा अचल संपत्ति में निवेश किए जाने के लिए ऋण की आड़ में उनके सहयोगियों के स्वामित्व वाली सेल कंपनियों को भारी धनराशि देने का आरोप लगाया गया है। सहकारी समिति के केंद्र रजिस्ट्रार CRCCS विवेक अग्रवाल का कहना है कि समाज के संस्थापक मुकेश मोदी 120 निजी कंपनियों से जुड़े हैं। इन 120 छायादार कंपनियों में से 43 को समाज से 2,334.30 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया था। इन कंपनियों ने सेल कंपनियों को अपने दिए गए पतों पर कोई वैवाहिक गतिविधियां नहीं करने के लिए निकला। SFIO और आयकर विभाग ने पहले ही कृषि मंत्रालय के साथ एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया कि वह मुकेश मोदी ACCSL द्वारा कुल जमा राशि 9,474 करोड़ रुपए थी, 12,433 करोड़ रुपए का ऋण और अग्रिम बकाया थे। रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ है कि 180 कंपनियों और व्यक्तियों को 12,406 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया। इसमें 122 कंपनियों को मुकेश मोदी परिवार और उसके रिश्तेदारों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रण और प्रतिबद्धित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें उल्लेखनीय किया गया है कि ACCSL के कई जमाकर्ताओं ने अपने बयान में यह खुलासा किया है कि उनके द्वारा जमा किए गए धन को उनकी पासबुक में नहीं दर्शाया गया। पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की गई है और जमा ऋण को, जी दोस्तों, जो उनके किताबों में एंट्री दी गई है उसमें उनको ऋण के रूप में दिखाया गया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अगली वीडियो में भी बताया था, मेरी आशंका भी यही थी को तो वो आशंका यहाँ पर दोस्तों दूर होती। आगे खबर है कि CRCCS के आदेश ने कहा कि एक समाज अपने सदस्यों को ऋण की वितरण कर सकता है। हालांकि इस मामले में मुकेश मोदी की टीम ने इन कंपनियों के ऋण बकाया जो समाज का सदस्य नहीं बन सकते। देश में ACCSL की 800 शाखाएं थी और इसमें 31/03/2018 यानी कि 31 तारीख और तीसरा महीना 2018 तक 9,349.50 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की थी। SFIO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुकेश मोदी और उसके परिवार के सदस्यों की सेल कंपनियों में जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया गया था। आदेश में कहा गया कि मुकेश मोदी अनियमितताओं के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के लिए विफल रहे। मोदी की सोसाइटी को व्यक्तित्व लाभ के लिए अपने सदस्यों के धन का दुरुपयोग करने के लिए पाया गया था। उन्होंने बहुत राज्य सहकारी समितियों अनियमितताओं 2002 के सहकारिता सिद्धांतों और प्रावधानों को उल्लंघन किया था। ACCSL के पिछले साल खबरों में था कि SFIO ने अपने प्रबंधक में एक जांच शुरू की और बाद में दिसंबर 2018 में समाज के प्रबंधक निदेशक मुकेश मोदी को गिरफ्तार किया। जाँच के दौरान यह पाया गया कि मोदी परिवार और उसके सहयोगियों ने प्राप्त की धनराशि
प्रतिशत निवेश किया, सेल कंपनियों में 180 ऋण खातों में 20 लाख जमा करवाए, 20 लाख जमा करता। अब आदर्श सहकारी सोसाइटी लिमिटेड SSCL के खातों की जांच की गई तो पाया गया कि सेल कंपनियों के गुणों का मूल्य वास्तविक राशि से कई गुना अधिक दिखाया गया है। मुकेश मोदी ने अपने परिवार के सदस्यों और 13 कंपनी की भारत भर के स्थित विभिन्न शाखाओं में अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों के मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और इससे अच्छी जानकारी पाने के लिए अगर आपको और ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे ज्वाइनिंग बटन पर आप क्लिक कीजिए, आपको और अच्छी जानकारियाँ मिल सकेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त, धन्यवाद, जय।